हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज मैं आपसे प्रिंस की नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। प्रिंस को मैं रात में किस तरह से मालिश करती हूँ, उसे किस तरह से पोछती हूँ, क्यों पोछती हूँ, आज सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्रिंस का डिनर रात के 10 बजे तक मैं उसे करा देती हूँ। फिर उसके बाद 10:30 बजे ठीक प्रिंस की मालिश होती है। खाने के आधे घंटे बाद ही मालिश कीजिएगा, नहीं तो बच्चा उल्टी कर सकता है। रात में मालिश करने का फ़ायदा ये है कि बच्चे की जब दिन भर की जो थकान होती है ना, वो कम हो जाती है और बच्चा बहुत अच्छी नींद सोता है। जो बच्चे रात भर रोते रहते हैं ना, उनके लिए ये रामबाण इलाज है कि आप रात को एक बार मालिश कर दो, उसको पोछ पाछ दो, तो वो आराम से सोएंगे। मैं प्रिंस को बहुत टाइम से ही मालिश कर रही हूँ, चाहे ठंडी हो या गर्मी, मैं रात में ज़रूर मालिश करती हूँ और एक बार पोछ देती हूँ। प्रिंस को ही बहुत मज़ा आता है, देखिए उसके चेहरे की खुशी देखिए। मालिश होने के बाद प्रिंस को पोछते हैं। पोछने से उसे हल्कापन फील होता है, प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है पोछवाना। आप एकदम सॉफ्ट कपड़ा ले या कॉटन का भी रुमाल ले सकते हैं, जिसका मेरी मम्मी ने सॉफ्ट लिया ना, उसी तरह से सॉफ्ट कपड़ा ले और बच्चे के पूरे शरीर को पोछ ले। पानी जो है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, जैसे नहाने के लिए लेते हैं ना हम, वैसा ही गर्म होना चाहिए। और उसके अंदर डेटॉल ऐड करें, डेटॉल बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं डेटॉल यूज़ करती हूँ।
होप सो आज का वीडियो आपका पसंद आया रहेगा। पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी ख़राब लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और हाँ, आने वाले वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो, कौन से टॉपिक सुनना चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियोस बना दूँ। अब ये दूध पी के आधे घंटे के अंदर अंदर सो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है प्रिंस के साथ।